तुम ये लिख देना मनीष मनीष भाई जिंदाबाद, ठीक है। शर्ट सही ना लग रही सब, गंदे मत करियो। सही ना लग रही यार, वहाँ तो बढ़िया लग रही थी यार, यो एक नंबर शर्ट लग रही है, ये नुकारा बढ़िया ना लग रही। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो अभी हमारा शूट चल रहा है बहुत भयंकर तरीके से, ये देखो अभी शूट नहीं चल रहा है, तो खैर लंच चल रहा है। हाय हाय, लंच चल रहा है, तुम अभी उठे हो सो के, तुम्हारा ब्रेकफास्ट है। सो रहे थे ये जनाब, सो रहे थे, अभी अभी उठे हम, सीन करके आए धूप में, सारे बाहर निकल के सारे सीन निपटा दिए हमने, अंदर अंदर के सीन रह रहे हैं, एक दो वो कर रहे हैं। मेन चैनल पे वीडियो आएगी बहुत जल्दी, जब आएगी तब देख लेना आपको पता चल जाएगी। फिलहाल अभी हम लंच कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद हम एक चैलेंज करने वाले हैं जो कि पिज्जा खाने का चैलेंज है। इनके मतलब एक ये और एक डेलिसा, ये दो, और एक ये दाना और एक मैं। लड़कियों और लड़कों को ये अलग अलग टीम्स बना के चैलेंज करवाएंगे। कोई वो मसाज वाली बुला देना यार, कमर दुख रही है। मसाज वाली बुला दे, कमर दुख रही है तो मसाज वाला भी आ सकता है। अरे वो ये एक ही बात है, मतलब वो समझ रहे हो ना तुम, नींद में वैसे शौक बहुत बड़े है भाई। इसको ना लंच करते ही बहुत कुछ याद आ जाता है, इसका लंच ही लगता रहेगा। लंच के नाम पे ना बहक जाता है। तो अभी इसके बाद मतलब ये खाना खा लेते हैं, इसके बाद हमें थोड़ा शूट करना वो करके, फिर उसके बाद करेंगे चैलेंज पिज्जा खाने वाला, उसमें देखना तुम, देखते हैं कौन जीतता है। ये कह रही है कि हम ज्यादा खा जाएंगे, ज्यादा खा जाओगे तो उनसे नहीं नहीं, उसमें मतलब फास्ट ऐसे करेंगे, बड़े वाले पिज्जा जो ज्यादा जल्दी खा जाए सबका, एक अलग अलग बड़ा वाला तलवा फूंक दो तो तलो अच्छा ना, तलवा थोड़ी रह रहा है, तलवा तो पैर के तलवा रह रहा है, तलवा कह रहा है ठंडा हो लेगा, ठंडा नॉर्मल रहेगा, ज्यादा गर्म ना रहेगा, देखते कौन पहले खाता है। मेरे को तेरे पे पूरा यकीन है। अरे यार फिर यू ना खाऊं ना, यू तो खाना ही है भाई, यू तो खाना ही है, मतलब लंच तो हम करते हैं उसके बाद है वो चैलेंज, तो जब करेंगे तब बताऊंगा, अभी पहले भूख लग रही है बहुत तेज, कर लेते हैं क्योंकि धूप में शूट करके ना हालत एनर्जी थोड़ी डाउन होगी। ब्रो खा लो तुम भी। तो जो चैलेंज हमें करना था वो आज नहीं हो पाया, लड़की हमारी चली गई, भाग गई हमें धोखा देके, आयुषी के घर से फोन आ गया, उसकी बहन का बर्थडे था एक्चुअली, तो उसको थोड़ा सा प्लानिंग करनी थी, उसके लिए शॉपिंग वोपिंग करनी थी, वो चली गई। अभी हमारे तीन सीन और बाकी हैं, लगातार हमें दो दिन हो चुके शूट करते हुए, रात को हम एडिटिंग कर रहे हैं, दिन में शूट कर रहे हैं, लेकिन तब भी तीन सीन सिर्फ शूट होने बाकी हैं, उसके बाद वो एडिट भी होंगे, मतलब बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारी बसड़बाजी चल रही है। कुछ नया आ रहा है हमारे चैनल में, कुछ नया कुछ इंटरेस्टिंग आएगा, अगर आप देखोगे ना आपको मजा आएगा, जब आ जाएगा मैं आप ब्लॉग चैनल पे बता दूंगा, जो मेन चैनल पे हैं हाफ इंजीनियर पे, उनके लिए बहुत बढ़िया बात है, उन्हें नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिसने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं कर रखा वो कर लेते, ताकि आपके पास डलते ही नोटिफिकेशन आ जाए और आपको सबसे पहले वीडियो देखने को मिल जाए। हमारे पीछे तो कुछ निकल रहा है, ये देख लो, एक आपको सैंपल दिखा देता, सैंपल दिखा देता थोड़ा सा, चल जितना देख लिया उतना ठीक है, बाद में तुम वीडियो में देख लेना, आने वाली है मतलब मेरे ख्याल में कल आ जाएगी वीडियो, कल ये परसों तक आ जाएगी, मतलब साथ साथ एडिटिंग चल रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, डिले नहीं है कोई लंबा, व्लॉग आज का लेट हो गया मेरे को पता है, मेरे को बहुत दुख है, बार 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 रास्ता काट रही है, क्लियर तुम्हें क्लियर हो ही जाएगा कि क्या दिख रहा, क्या दिख रहा है, बच्चे और बिल्ली जब रास्ता काट जाए कोई काम नहीं करता, ना बच्चे हैं, बच्चा है ना बिल्ली है, लड़की है, लड़की लड़की। जो चैलेंज मैं आपको बता रहा था वो कल करेंगे, डेलिसा कल करेंगे वो वाला चैलेंज, जो पिज्जा वाला का चैलेंज था वो करेंगे कल, ठीक है, आज थोड़ा सा नॉर्मल व्लॉग ही रखते हैं अपना, कल करेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि हमारा जो फ्लो है एक डेली व्लॉग्स का वो टूटे, बस हमारा एक दिन छूटा है वो होली वाला, वो भी मैंने सोचा था चल आज होली खेल रहे हैं सब, मैं भी खेल लेता हूं, तुम सब भी इंजॉय कर रहे हो तो करते हैं, वरना हमारा डेली डेली व्लॉग आ रहे हैं हमारे 365 डेज, मतलब अगर हमारा मान लो एक दिन मिस हो गया ना तो उसके बाद अगले दिन दो व्लॉग ऐसे आ रहे हैं। अंग्रेज बनने का शौक है यार, पर क्या करें वो थोड़ा सा बेस खराब है। के कह रहा तू बता, के कह रहा वो 365 डेज वाला, के कह रहा वो तो यही कह रहा है, फिर मैं गलत बोल रहा हूं, हम कब कह रहे हैं, हमने नो कही को गलत बोला, हम तो नो कह रहे हैं कि अंग्रेज, हम तो ऐसे इंग्लिश वाला डायलॉग बोले ही ना, याद ही ना होगा वो इंग्लिश बोलने में, इन तो पूछ कितना मजा आओ जब मैं इंग्लिश बोलता हूं, बोल के दिखाइए कुछ, क्या बोलूं कुछ बोल दे, एक लाइन बोल दे, चल क्या बोलूं इसकी इंग्लिश में बताऊं, व्हाट आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू राइट नाउ, वेयर आर यू फ्रॉम राइट नाउ, वो सीन लगाऊंगा, ढूंढ के लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा, देखना इसकी इंग्लिश, अरे दा मेरे टैटू से लगवा देना मेरी इंग्लिश, व्हाट आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम राइट, गारंटी के जैसे चीकू के घर में और चीकू दोनों चले जाएंगे इंग्लिश के दूसरे में, मैं भी चलूंगा साथ, तो कर रखी है, अंधेरा हो चुका है और अभी तक मैंने आज मैंने कुछ शूट ही नहीं करा, हमारा प्लान था कि हम चैलेंज शूट करेंगे, लेकिन शूट में इतना ज्यादा टाइम लग गया मेन चैनल के शूट में कि चैलेंज वैलेंज का टाइम ही नहीं मिला, चैलेंज तो छोड़ो हमने खाना भी बस एक बार खाया, उसके बाद मतलब ये भी नहीं कि थोड़ा बहुत कुछ खा लिया पी लिया, टाइम ही नहीं मिला, बैक टू बैक शूट चल रहा था, पर कोई बात नहीं, अब ये व्लॉग तो मेरे को आज डालना ही है, थोड़ा सा लेट डलेगा, सही कुछ खाने का दे दो भाई, भूख लग रही है, सुबह तो शूट कर रहे हैं दबा के, आज तुम्हारे राज में कुछ खाने को ना मिला, तुम तो एक तो ऑर्डर बहुत लेट भेजो, कोई नहीं आगे जल्दी भेजो, मैं आधे घंटे पहले सुबह सुबह उठते ही मैं फोन करूंगा, मैंने कहा भाई ये चीज़ भेज दो, तो
उठने के बाद एक सीन हो भी जाओ उसके बाद भेजा भाई। जब घर से बाहर होता हूँ मतलब शूट वूट चल रहे होते हैं तो तुम ये समझ लो दूध ब्रेड इन सब पे जीना पड़ता है या फिर तुम गंद खाओ मतलब बाहर से होटल से मंगवा के, वहाँ रोटी भी मैदा की मिलती है तो कुछ खास ऑप्शन होते नहीं है। इसीलिए मेरा थोड़ा सा फैट दोबारा बढ़ चुका है, मतलब ज्यादा बढ़ा भी ना, वैसे तो 81 था। मैंने कल शायद वेट करा था, कहाँ पे करा था, हाँ कल एक दोस्त से मैं मिलने गया था तो वहाँ पे जाकर वेट करा था, 81 था। इतना खास भी ना बढ़ा, 78 था, 81 हो गया, 3 किलो बढ़ा है गंद। मेरे को बस ये वेट जो है ये थोड़ा हेल्दी वेट उसमें मतलब मसल में कन्वर्ट करना है, वो हो जाएगा मेरा जिम जाके। अब जिम कब जा पाऊंगा जब मेरे को टाइम मिलेगा, टाइम मिल नहीं रहा, बैक टू बैक शूट चल रहे हैं। लेकिन आज ये वीडियो का सीन खत्म हो जाएगा या फिर कल शायद खत्म होगा सुबह दोपहर तक, उसके बाद तुम्हारा भाई फ्री है, फिर जिम जाऊंगा दबा के, फिर देखना तुम। अच्छा एक चीज और, इंस्टाग्राम पे मेरे को ये देखनी है कि हमारे ब्लॉग वाले कितने सारे लोग इंस्टाग्राम पे हैं। तो मैं इंस्टाग्राम पे जब तुम ये ब्लॉग डालोगे तो मैं एक फोटो डल चुकी होगी वहां पे, ठीक है? तो इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डाल रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके उस फोटो पे एक कमेंट करना, सब एक ही कमेंट करना। क्या कमेंट करूं? तुम ये लिख देना मनीष भाई जिंदाबाद, ठीक है? इतना लिख देना, मेरे को पता चल जाएगा कि तुम यहां से आयो, ब्लॉग चैनल से आयो। फिर मैं उस पर कुछ अपडेट दूंगा ताकि मेरे को ये पता रहे कि ये अपडेट अपने यूट्यूब तक भी पहुंच रहा है, ठीक है? देखते हैं कितने यूट्यूब वाले इंस्टा पे हैं अपने। लास्ट वाले अंकल भी उतर गए लिफ्ट में। अभी हम चार लोग थे, चार में से तीन ने मास्क लगा रखा था, मैंने नहीं लगा रखा था, मैं इतना बड़ा बेशरम आदमी, मेरा गलती से अगर ऊपर रह गया, लगाता हूँ मैं मास्क, मेरे को जल्दी जल्दी मेरे सामान लेने जाना तो भूल गया। लेकिन कोविड के केस इतने ज्यादा दोबारा बढ़ रहे हैं, पता नहीं किस हिसाब से बढ़ रहे हैं, क्या बढ़ रहे हैं, कि तुम्हें अपनी सेफ्टी खुद रखनी चाहिए। तो मैं इस चीज के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने मास्क नहीं लगा रखा था, आगे से लगा के जाऊंगा। किसी और का घर है क्या? गेट ही लॉक कर लिया और कुछ भी ना, तो बताओ इतने समझदार कौन हो? हमने नहीं किया, दरवाजा बंद करके बैठ गए। पटियाला का दिमाग हो गए, यहाँ कोई छोरी थोड़ी है दरवाजा बंद करेंगे। तो फिर क्यों लॉक करा? मैं थोड़ी करा है। नाटी कहाँ छुपा रखी बता? कुछ नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा बंद करने का मतलब क्या है बता? अरे भाई मैं ना कर रहा, पागल है यार, मैं तो यार टीवी देख रहा हूँ। कहाँ भाई कहाँ है, छुपा देने मना कर रहे। चलो कोई बात ना, हमने बता रहे कहाँ है, कोई दिक्कत कुछ ना। अंकल भी देखा है कोई भी ना आया? अरे मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ होगा भी नहीं, हम बहुत शरीफ और सज्जन लोग हैं, सिर्फ शूट करते हैं। देखो कैमरा अभी भी तैयार है, हमारी बाट देख रहा है बस। पर हमें थोड़ा किसी चीज का वेट कर रहे हैं, जिस चीज का वेट हम कल बताया था ना लोग, परसों जिस चीज का वेट कर रहे थे ना, हम आज उस चीज का वेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कब तक ये वेट करेंगे, उस वे हम तो करते रहेंगे वेट, लेकिन तुम्हें ज्यादा वेट ना करवाऊंगा। इस ब्लॉग को मैं एडिट करके डाल रहा हूँ, तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख लिया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरे को पता है ब्लॉग थोड़ा छोटा होगा ये, पर मैं क्या करूँ, हमारा ऑप्शन, हमारा पहले प्लान था कि हम वो करेंगे चैलेंज पिज्जा वाला, लेकिन वो डिले हो गया, वो अब हम करेंगे कल, तो हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन बचा नहीं। मैंने कहा आप ब्लॉग ना डालने से बढ़िया, अगर नहीं डालूंगा तो मेरे पास इंस्टाग्राम पर भर भर के मैसेज आएंगे, भाई ब्लॉग कहाँ है, ऐसी आदत पड़ चुकी है सबको, मतलब आप लोगों को भी, मेरे को भी, सबको, हमारा एक ग्रुप बन चुका है ना कि हाँ भाई डेली का ब्लॉग चाहिए ही चाहिए, कि भाई तू जिंदा है ना आज, ऐसे वाला टाइप का ब्लॉग चाहिए। लोग कहते हैं ना भाई हम बिना मतलब तुम्हारा ब्लॉग देखते देखते खाना खाते हैं। हाँ अब जैसे किसी का रात का डिनर का टाइम है, वो खाना खाते हुए देखता है, भाई उसको भी चाहिए। जो आदमी ब्लॉग देखते देखते फ्रेश होता ना, उसका क्या करे, ये भी बड़ी समस्या है उसका इसकी जीव वैसे ही टूट रही है शूट की वजह से। कभी तुम सोचोगे मैं सोचना है, कई बार कमेंट आया कि इतने सेकंड पे, 7 मिनट 8 सेकंड पे पटियाला की जीभ तुतलाई। कभी कभी तो ज्यादा हो जाए, मतलब कभी कभी तो फंबल हो जा रहा है। और तो ठीक है गाइस, इस ब्लॉग पे यही खत्म कर रहा हूं, इसको लाइक कमेंट शेयर सब कुछ कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और घंटा भी दबा लेना, बेल बेल देख लो, परछाई देख लो इसको भाई, ऐसे ऐसे लेके चल रहा हूं मैं, क्या करूं, फोन में लाइट बंद कर ले, बंद होगी, ट्यूब जल रही है, पर क्लैरिटी भी तो कोई चीज होती है। चलो अगले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय बाय।